नमस्कार, आज की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज मंगलवार की शुरुआत हादसों के साथ हुई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा हो गया और उस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां पर 13 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा आज सुबह शहर के पुराने छावनी इलाके में हुआ। एडिशनल एसपी ने भी इस दर्दनाक हादसे की पुष्टि की है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना को लेकर कहा कि ग्वालियर में बस और ऑटो की टक्कर से हुए भीषण हादसे में 13 लोगों की जान चली गई, जिससे मैं बहुत दुखी हूं। प्रदेश सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो इसी बीच दूसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से, जहां पर कोतवाली रुदौली के पास में एक हादसा हो गया है। यह हादसा राजा गांव ओवरब्रिज के पास हुआ और हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब दुर्घटनाग्रस्त रोडवेज बसों में से एक बस को पीछे से एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों बसें कानपुर से बस्ती जा रही थी। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 2 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य ने इलाज के दौरान जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। हादसे में घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और दोनों घायलों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि रोडवेज की दोनों बसें कानपुर से बस्ती जा रही थी, तभी NH 27 के राजा गांव के समीप ओवरब्रिज पर DCM ने पीछे चल रही एक बस को टक्कर मार दी। इसके बाद आगे चल रही बस भी रुक गई। इसके बाद दोनों बस के ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त बस को देखने पहुंचे और उसी वक्त एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने हादसे का शिकार हुई बस को टक्कर मार दी और इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। तो आज मंगलवार की शुरुआत ही हादसों के साथ हुई। देश के अलग अलग प्रदेशों में गंभीर हादसे हुए और इन हादसों में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी।